अभी शर्मा उम्र 12 वर्ष मध्य प्रदेश से इन स्कॉलरशिप के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। ये एक राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे कम उम्र के एंकर हैं। तो चलिए अब हमारे साथ है हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो कि हैं अभी शर्मा। तो अभी शर्मा बहुत बहुत मुबारक पहले तो आपको इस हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के कार्यक्रम में। तो आप कहाँ से? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से? चलिए जी। तो आपकी उम्र क्या है? मैं अभी फिलहाल 12 साल का हूँ। 12 साल के? चलिए। आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के भी आप रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड होल्डर होने से आपको कितना फायदा मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा जा चुका है। एक तो फॉर वास्ट नॉलेज ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, फिर द यंगेस्ट चाइल्ड विद मोस्ट अवार्ड्स एंड मेडल्स, एंड यंगेस्ट चाइल्ड हु गिव्स मैनेजमेंट लेक्चर्स। जी जी, काफी प्रेस्टीजियस अवार्ड और बहुत हेल्प मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का बहुत बड़ा सपोर्ट था आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। और आपसे बात करते हुए मुझे अंदाजा हो रहा है कि योर इंटरेस्ट लाइज इन माइथोलॉजी। बिल्कुल। तो अब आप ये मुझे बताइए कि आपको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस चीज के लिए मिला, मतलब कुछ आपके अचीवमेंट? जी हाँ, तो मुझे पहले तो मैंने बाल्मीकि रामायण लिखी है, यानी कि 250 छंदों में रामायण का एक छोटा वर्जन लिखा है ताकि बच्चे रामायण को पढ़ सकें, समझ सकें, और उसके आदर्श हैं जैसे कि लाइक पेशेंस, ओबीडियंस, इन सबको अपने जीवन में उतार सकें। और उसके लिए मुझे तो मिला क्योंकि उसे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, योगी सर ने अप्रिशिएट किया था बहुत लोगों ने, और इवन वो अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी बेस्ट सेलर रह चुके हैं। और उसके बाद मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मैं लेक्चर्स देता हूँ। लाइक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में मैंने दिया था, सेज यूनिवर्सिटी में मैंने दिया था, भारत विकास परिषद में लेक्चर्स देता हूँ, और इन लॉकडाउन 2021 आई टॉट मोर देन 150 स्टूडेंट्स वैदिक मैथ्स फॉर फ्री। ये मैंने पढ़ाया था और अभी मैं कोडिंग भी पढ़ा रहा हूँ उन्हें, तो इसीलिए ही मुझे ये अवार्ड मिला है। ये तो बहुत ही उम्दा बात है, काफी कुछ किया है आपने और काफी कुछ करके जाने का हौसला भी रखते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप हमारे आज के जो यूथ है, हम सब जानते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़ी सी राहों से भटकी हुई है, तो आप उन सब लोगों के लिए कुछ अगर मैसेज, आप कुछ इंस्पिरेशन वर्ड्स अगर आप कहना चाहें तो, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ करें। यही कहना चाहूंगा, आजकल का हमारा यूथ का मन कहीं भी एक जगह नहीं लगता, दे आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, फोकस लॉस्ट है। तो गीता के 6.30 में लिखा है, लाइक 6ठा अध्याय 30वां श्लोक की अभ्यास येन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी कि इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड एंड फोकस इट इनटू वन थिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला है अभ्यास, मींस प्रैक्टिस। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरा है वैराग्य, मींस नॉट वैराग्य लाइक छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नॉट दैट वाला, बट डिटैचमेंट फ्रॉम द थिंग्स व्हिच डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल। सो जब आप उन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फोन हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और खाली पढ़ाई में ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सो ऑब्वियसली आपका फोकस बढ़ेगा एंड यू विल गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। चलिए अभी तो फिर काफी कुछ बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने तो पहले यूथ को, और काफी कुछ आप आगे करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे यूथ को और इंस्पायर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच आदि।